दक्षिण पूर्व रेलवे के बोकारो गोमो रेल मार्ग तुपकेचही और राजा बेड़ा रेलखंड में एक मालगाड़ी के दो हिस्सों में बंटने की हुई घटना ने रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसकी वजह से रेलवे का ओवर है जो बिजली तार, रेल पटरी, मास्क का भारी नुकसान हुआ है और मालगाड़ी से अलग होकर इसकी दो बोगी बेपटरी होती हुई उलट गई है। इस हादसे के कारण बोकारो होकर गोमो जाने वाला रेल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और इस मार्ग से गुजरने वाली एक दर्जन के आसपास यात्री गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है जबकि कई को पुनर्निर्धारित किया गया है। इस हादसे की वजह को जानने के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। घटना देर समय में कल उस वक्त हुई जब मालगाड़ी तुपकेचही रेलवे स्टेशन से पर होकर आगे बढ़ी। पोल संख्या 412:30 के पास पहुंचते ही मालगाड़ी दो भागों में बंट गई। इसकी दो बोगियां बेपटरी होकर पलट गईं। इसकी वजह से रेलवे ट्रैक जाम हो गया और ओवरहेड तार व रेल पटरियों का बड़ा नुकसान हुआ। घटना के बाद इस रेल मार्ग से रेल यातायात बुरी तरह ठप पड़ गया है। रेलकर्मी रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने और घटना से प्रभावित हुए परिचालन को पूरे सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास में युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। बोकारो के एरिया रेल मैनेजर की माने तो यह दुर्घटना से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और अभी इस रेल मार्ग पर यातायात बहाल करना उनकी पहली प्राथमिकता बनी हुई है। उनकी माने तो बहुत जल्द बंद पड़े इस रेल मार्ग से रेलवे परिचालन को शुरू कर दिया जाएगा। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए कॉज ऑफ डिरेलमेंट तो अभी अंडर इंक्वायरी है, इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन कल रात को 9:45 तुपकेचही रेलवे स्टेशन से हमारी मालगाड़ी निकली जो बल्लभगढ़ जा रही थी आपकी जो है नॉर्दर्न रेलवे, और स्टेशन से निकलने के साथ ही गाड़ी हमारी दो पार्ट में टूट गई, पार्टिंग कहते हैं उसको हम लोग, और दो वैगन उसके जो है कैप्साइज हो गए आपके यहाँ पर, जिसकी वजह से आपका साउथ अप लाइन में हमारा सारा का सारा मूवमेंट रुक गया और उसी प्रयास में है कि उसको हम जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। कितनी गाड़ियों का परिचालन बदला गया है, कितना? देखिए अभी फिलहाल देखिए नुकसान का असेसमेंट अभी चल रहा है हमारा, कोचिंग ऑपरेशन सारे हमने जो है यहाँ पर अभी कंट्रोल किए हुए हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने 3 ट्रेनें आपकी रिशेड्यूल की हैं और 7 या 8 ट्रेन का हम लोगों ने डायवर्जन किया हुआ है, लेकिन इस वाली लाइन पर आपकी नॉर्थ डाउन लाइन पर आपका अभी 20 मिनट के अंदर ट्रेन का मूवमेंट, कोचिंग ट्रेन का मूवमेंट दोबारा रिज्यूम हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद हमें ट्रेन को डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने का नुकसान हुआ है रेलवे को ये डिरेल होने से? देखिए नुकसान का असेसमेंट चल रहा है अभी, पहले तो हम कॉज ऑफ डिरेलमेंट निकालेंगे, जो है कॉज ऑफ डिरेलमेंट के बाद जो है फिर हम नुकसान के बारे में जाएंगे। बहरहाल आपका किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है और ना ही किसी को कोई इंजरी वगैरह का कोई है यहाँ पर। दूसरी लाइन कब तक चालू हो सकती है? आपका देखिए आधे घंटे के अंदर दूसरी लाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, अगले 2 बजे तक। हाँ वो आपकी जो एक्सीडेंट जिस पर डिरेलमेंट हुआ है हमारा, वो लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में हम उसको स्टार्ट कराने का हमारा प्रयास है। क्या नाम है सर? मेरा नाम है विनीत कुमार, मैं एरिया रेलवे मैनेजर बोकारो। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।